हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCS यूनिवर्सिटी के बीपीएड व एमपीएड कोर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 15 जून 2021 से उनका एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आज की वीडियो में उसके एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अगर मैं बीपीएड कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों ये ग्रेजुएशन बेस्ड एडमिशन रहेगा, यानी कि इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, या तो आप फिजिकल एजुकेशन से करें, जैसे कि बीएससी फिजिकल एजुकेशन होती है तो उसमें आपके 45% मिनिमम होने चाहिए, या अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से करते हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की है जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो भी आपका चल जाएगा, या फिर अगर आपने किसी अदर और स्ट्रीम से करते हैं तो उसमें आपके पास एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो SSG5 से या IAO से मतलब अप्रूव्ड हो, ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास हो जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट हो, उसके भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सीट की बात करूँ दोस्तों, तो बीपीएड में इसकी 50 सीट होती है और एमपीएड में 30 सीट होती है। एमपीएड की जो क्राइटेरिया है होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें दोस्तों आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब बीपीएड होनी जरूरी है, बीपीएड में आपके 50% मार्क्स हो, या फिर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन में आपके 50% मार्क्स हो। तो अगर एमपीएड कोर्स की बात करें तो उसमें आपके या तो बीपीएड में 50% मार्क्स हो या बीएससी फिजिकल एजुकेशन, तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और अगर मैं बीपीएड की बात करूँ तो ग्रेजुएशन हो किसी भी आपके स्ट्रीम से हो, आपके पास या तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो, या फिर आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन की हो, तो भी आप एलिजिबल है। सीट दोस्तों मैंने आपको बता दी, बीपीएड में 50 सीट होती है और एमपीएड में 30 सीट होती है। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम बेस ही आपका एडमिशन होता है, जिसके अंदर आपकी पांच जो होते हैं पांचों चीज होती है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है आपका, स्पोर्ट्स अचीवमेंट टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी वेटेज होता है, एकेडमिक वेटेज होता है और इंटरव्यू। इन पांचों बेस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें रिटर्न टेस्ट आपका नहीं होता है। तो काफी अच्छा आपके लिए है ये, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम के बिना आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के, दोस्तों 100 नंबर यानी 100 नंबर का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। एकेडमिक वेटेज जो होता है वो दोस्तों 18 नंबर का है, और यूनिवर्सिटी वेटेज 8 नंबर का है, और जो आपका अचीवमेंट होता है सर्टिफिकेट अचीवमेंट या स्पोर्ट्स अचीवमेंट होता है 18 नंबर का होगा, और इंटरव्यू जो आपका होगा वो 10 नंबर का होगा। अगर मैं बात करूँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की दोस्तों, उसके अंदर अपर टेस्ट होता है। अपर टेस्ट के बारे में आप जानते होंगे, वरना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि अपर टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या किस यहाँ पे इस पे नंबर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसके, तो दोस्तों ये टोटल जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो 150 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स का। इसके यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के यहाँ पे आपका एडमिशन होगा, जितने ज्यादा आप नंबर लाएंगे उस पे। अगर मैं बात करूँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि आपका 100 नंबर का है, उसमें आपके 30% मार्क्स होने जरूरी है, यानी अगर आपके 30% मार्क्स है तो ही आप आगे के लिए एलिजिबल रहेंगे, वरना आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर आप किसी वजह से फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं देते छोड़ देते तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने आपको इसके एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पता लग जाएगा कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस कौन कौन से सर्टिफिकेट कितने मार्क्स मिलते हैं, या फिर जो अपर टेस्ट होता है अपर टेस्ट के जो भी ये पांच उसके अंदर चीज होती है किस किस भी यहाँ पर नंबर मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसकी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड होता है और क्या उसका एडमिशन जो गाइडलाइंस होती है उन सब के बारे में बात करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।